क्या टाइमिंग्स हैं सो एवरी थिंग इन टू वन फॉर्म तो रिटेलर क्या करता है द रिटेलर हैज़ टू स्पेसिफाई स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोर ओपनिंग टिल द स्टोर क्लोजिंग तमाम चीज़ों को कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोर ऑपरेशन से लेकर किस टाइम के ऊपर स्टोर ने ओपन होना है किस टाइम के ऊपर स्टोर ने क्लोज होना है इन दोनों बातों में और इसके दरम्यान तमाम चीज़ें तमाम ऑपरेटिंग फंक्शन जो स्टोर में हो रहे हैं उसके लिए ही हैज़ टू स्पेसिफाई कि कौन रिस्पॉन्सिबल शख्स है और क्या टाइमिंग एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए सो so अब मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि इस ऑपरेशन ब्लू के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद है दैट इज़ कस्टमर एक्शंस कस्टमर एक्शंस क्या है कस्टमर स्टेप्स टेकन एज पार्ट ऑफ सर्विस डिलीवरी तो वो तमाम स्टेप्स जो कि आपको कस्टमर को सर्विस डिलीवर करने के लिए विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म वो ऑल दो स्टेप्स दे हैव टू बी मैंशनड एंड डॉक्यूमेंटेड समवेयर सो दैट अगर कभी भी कोई कस्टमर आपके पास आता है एंड ही हैज सर्टन कंप्लेंट अबाउट अ प्रोडक्ट और अबाउट अ सर्विस सो यू कैन ईजिली इंप्रूव एंड यू कैन ईजिली रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर क्वेरी और दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट ताकि उसको टाइमली सॉर्ट आउट किया जा सके ऐसा ना हो कि उस टाइम के ऊपर ये देखा जाए कि इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और ये काम कौन करेगा किसके पास जाया जाए कितने टाइम कस्टमर को दिया जाए कि सर आपका ये मसला फाइव मिनट्स में हल हो जाएगा या फाइव आवर्स में होगा या फाइव डेज के अंदर होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन करना इसी तरीके से सेकंड पार्ट सेकंड एलिमेंट हमारे पास विच इज़ ऑन स्टेज एम्प्लॉयज़ या विजिबल कॉन्टेक्ट इम्प्लॉयज़ ये वो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ हैं आपके के जो कि एक्चुअली फेस टू फेस इनकाउंटर करते हैं अपने कस्टमर के साथ अच्छा जी अब ये नहीं कि ज्यादातर अगर जब आपको रिसेप्शन के ऊपर जो लोग नजर आएंगे रिसेप्शन डेस्क के ऊपर और या जो लोग आफ्टर सेल सर्विस काउंटर्स के ऊपर नजर आएंगे या जो लोग कैश टिल के ऊपर नजर आएंगे दे आर द एक्चुअली पीपल जो के कस्टमर के साथ ऑन स्टेज या विजिबल कॉन्टैक्ट इंप्लॉयज हैं कस्टमर के साथ फ्रंट लाइन के ऊपर इंप्लॉयिज हैं वो कॉन्टैक्ट में हैं सो so, कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा कस्टमर विल हैव इंटरेक्शन विद ऑल दीज पीपल डायरेक्टली कस्टमर अगर तो लेट्स से उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो जिस इम्प्लॉयी से इंटरेक्ट कर रहा है ही इज़ एक्चुअली ऑन स्टेज एम्प्लॉय वो कंपनी के बिहाफ के ऊपर परफॉर्म कर रहा है और कस्टमर के लिए वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का एम्बेसडर है तो इफ़ द सेम इज एबल टू हेल्प कस्टमर इन ए प्रॉपर वे इसका मतलब ये है कि आपके जो ऑपरेशन ब्लू प्रिंट है दैट इज प्रॉपरली डिफाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क और अगर ऐसा नहीं है तो सिचुएशन इज वाइस देन थर्ड एलिमेंट की तरफ मैं जाता हूं थर्ड एलिमेंट वो बैक स्टेज इंप्लॉयिज हैं जो कि कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन में नहीं आते सो दे आर नॉट फेस टू फेस इंटरक्टिंग विद द कस्टमर यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके वो इंप्लॉयिज जो कि आई टी से रिलेटेड हैं आपके वो इम्प्लॉयज़ जो कि आपको किसी ना किसी तरीके से बैकेंड सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से ए एल सी के एम्प्लॉयज़ हैं आपके मेन कैश के एम्प्लॉयज़ हैं सो so ये वो तमाम लोग हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कि बैक स्टेज आपके लिए काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर तो इनके लिए उस पर्टिकुलर टास्क को कम्प्लीट करने का किसी भी टास्क को कम्प्लीट करने का किसी तरीके से ऑन स्टेज एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने का वो तमाम मैकेनिज़म हैज टू बी लिस्टेड डाउन प्रॉपरली इन अस्टमैटिकली मैनर अगर वो हुआ होगा तो ऑफकोर्स तमाम लोग कस्टमर की सेटिसफेक्शन के लिए कस्टमर की ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर सकेंगे और कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सकेगा फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास मौजूद है दैट इज सपोर्ट प्रोसेसिस सो ऑल नेसेसरी फंक्शन दैट आर क्रूशल टू कैरी आउट सर्विसेस दे हैव टू बी लिस्टेड डाउन समवेयर फॉर एक्जाम्पल बहुत अच्छी डिस्कशन तो 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 है अगर कस्टमर वॉन्ट्स टू कम टू योर स्टोर एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कस्टमर कार्ड को हासिल करने का तो ये प्रोसेस दिस शुड बी मैंशन कि कस्टमर को क्या था था क्या चेकलिस्ट पूरी करनी है उस कार्ड को हासिल करने के लिए इसी तरीके से इफ़ यू वांट्स टू गेट द ट्रॉली इफ यू टू टू रिटर्न सम गुड इफ यूट्स टू कंप्लेन अबाउट सम प्रोडक्ट इफ यू वॉन्ट्स टू पे थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और कैश सो वट्स एवर इज द मैकेनिज्म इट हैज़ टू बी मैंशनड स्पेसिफिकली सिस्टमैटिकली विद द कस्टमर और आखिरी बात लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन ब्लू प्रिंट इज द फिजिकल एविडेंस सो दीज आर एक्चुअली द टेंजिबल्स दैट कस्टमर्स आर एक्सपोज टू ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट विदेलर फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर एक रिटेल स्टोर के अंदर गया और वहां पर उसको जो फर्स्ट फिजिकल एविडेंस जो नज़र आया फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट टेंजिबल थिंग नजर आई दैट इज अ ट्रॉली फॉर एक्जाम्पल अगर उसने ट्रॉली जो लिया है दट ट्रॉली इज डिफेक्टिव ट्रॉली उसके व्हील्स का प्रॉब्लम है या दैट ट्रॉली इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग या वो डैमेज है या वो टूटी हुई है किसी भी तो तरीके से दैट फिजिकल एविडेंस दैट इज़ नॉट प्रॉपरली गाइडिंग कस्टमर और सैटिस्फाइंग कस्टमर इसका मतलब यह है कि आपके पास ऑपरेशनल गैप्स हैं आपके पास सेट ऑफ एक्टिविटीज आर नॉट सिस्टमैटिकली डिजाइन देर कैन बी एक्सेप्शनल केसेस लेकिन इफ़ द प्रॉब्लम इज अ रूटीन प्रॉब्लम इफ़ द केस इज़ अ रूटीन केस इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सिस्टम मौजूद नहीं है तो इस ऑपरेशंस ब्लूप्रिंट के अंदर आपको क्योंकि सिस्टमेटिकली लिस्ट करना है तमाम एक्टिविटीज़ को स्टोर कब ओपन होना है मेन कैश किसने हैंडल करना है हु विल ओपन हु हैव द कीज़ किसके पास कैश का एक्सेस होगा कौन कैश को हैंड ओवर करेगा फिर किस तरीके से ऑर्डरिंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम होगा कौन किस टाइम के ऊपर ऑर्डर कर सकता है लाइबल है कौन लाइबल नहीं है कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है किससे कंसल्ट करना है किस को करना है सो ऑल द डिटेल्स हैव टू बी मैंशंड इन दिस ऑपरेशन ब्लू प्रिंट